आप यहाँ से ओमिट कर दीजिए सारी महिलाओं को, तो ये पुरुष नहीं चला पाएंगे इस धरती को। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि हम सबसे बड़ा पदवी तो हमें मिली हुई है कि हम माँ हैं। खुद तो अपने आप को समझे हर मदर, तो वो अपने आप के लिए भी जी सकती है और देन बच्चों पे हस्बैंड पे भी ध्यान दे सकती है। देखिए, मेरे हिसाब से तो महिला तब भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती थी, है ना, और आज भी बहुत इम्पोर्टेंस है उनका। ऐसा कुछ नहीं है कि यही सवाल है कि आप करते क्या हो घर में। जब हस्बैंड का साथ रहता है या वो अच्छे रहते हैं तो वो चीज़ दिमाग में नहीं आती है, अच्छे से वो चीज़ भी निभा जाती है एक महिला। और ऐसा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। महिला को समाज की नींव भी माना जाता है, और अगर नींव हिल जाए तो उस समाज की जो इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, महिला से जुड़े ऐसे इश्यूज़ जो आमतौर पर सामने नहीं आ पाते महिलाओं के जीवन में, जब वो पूरे घर को संवारती है और उससे पूरे समाज में जो हम नयापन देखते हैं, बदलाव देखते हैं, वो दिन ब दिन अभी भी हमें दिख रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां वो पीछे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी संकुचित मानसिकता है जो हमारे समाज में व्याप्त है और वो महिला के प्रगति में बाधक बन रहा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे महिला सशक्तिकरण के अलावा कुछ ऐसे इश्यूज़ जो आमतौर पर नहीं देखने को मिलते, सामने नहीं आते, इस पर उनके विचार जानेंगे। एक महिला अपने घर को संवारती है, सजाती है, और कहा जाता है कि नारी शक्ति जो है वो इस पृथ्वी पर सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। नारी का पूजन होता है, गायन होता है। हम महिला दिवस पर कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो लाइफ की जर्नी है वो उसे कैसे देखती हैं, उनके लिए सच में महिला सशक्तिकरण क्या है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा आज महिला दिवस है, एक महिला के तौर पर जब आप खुद को देखती हैं और आप अभी जिस आयु वर्ग में हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सबसे पहले आपके लिए महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, सरल शब्दों में। सबसे पहली बात तो पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम अनीता सिंह है और मैं यहीं भोपाल में रहती हूँ। मेरे हिसाब से महिला दिवस मनाना ही सबसे बड़ी इंसल्टिंग बात हो जाती है, क्योंकि पुरुष दिवस तो हम मनाते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही इस बात को बोल रहे होते हैं कि भई हम बहुत कमज़ोर हैं और आप हमारे लिए एक दिवस सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप हमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे दीजिए। जैसे मैं पहले वर्किंग थी तो हमारे प्रिंसिपल भी इस बात को बहुत इनिशिएटिव लेके हमारे लिए 8 मार्च को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करके ये शो कर देते थे कि भाई देखिए, आपके लिए बस एक ही दिन बना है साल में। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो हर दिन है। आप यहाँ से ओमिट कर दीजिए सारी महिलाओं को, तो ये पुरुष नहीं चला पाएंगे इस धरती को। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि हम सबसे बड़ा पदवी तो हमें मिली हुई है कि हम माँ हैं, हमने एक पुरुष को जन्म दिया है, और हमारा हस्बैंड जो है या हमारे जो घर में बड़े ब्रदर हैं या हमारा बेटा है, उसको हमने शायद ऐसी परवरिश दी ही नहीं कि वो हमें एक दिन के लिए इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरी मदर इन लॉ हैं, इनके कारण आज हम हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन के लिए मैं इनको ये कहूँगी कि मम्मी आप बहुत महान हैं क्योंकि आप फीमेल हैं। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपको क्या लगता है, जैसे हम कहते हैं कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो बोलते हैं कि ससुराल ही तुम्हारा घर है, मतलब तो उस कॉन्सेप्ट कि ससुराल आपका घर है और ससुराल वालों ने बोल दिया जी अपने मायके की चीज़ें यहाँ मत लाओ, तो मतलब लड़की का तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो ये तो हमको खुद को सोचना है और ख़ुद को अपने लिए काम करना है। ये नहीं होगा कि कोई तीसरा आके हमसे ये बोले कि भाई हम आपके लिए आज एक दिवस मना रहे हैं और आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आप बहुत महान हैं। लेकिन जब तक हम खुद की इम्पोर्टेंस खुद को नहीं देंगे ना, तब तक ये दिवस मनाए जाएंगे। पुरुषों के लिए कोई दिवस नहीं होता, क्योंकि वो खुद में इम्पोर्टेंट है तो हम हमारे में इम्पॉर्टेंट हैं। और जब तक हम एक दूसरे की हेल्प करनी क्यों है, हम हमारी हेल्प खुद कर लें ना। तो जब हम हमारी हेल्प खुद कर लेंगे तो ये महिला दिवस ओमिट हो जाएगा इस जीवन से। आपकी मदर इन लॉ भी यहाँ पर है, तो उनसे भी ज़रूर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो पीढ़ी थी और अभी की जो पीढ़ी है, जो हम एक वर्ड अभी यूज़ करते हैं जनरेशन गैप का, तो
आपको क्या लगता है, हम वहाँ से यहाँ तक जो आए हैं तो क्या एम्पावरमेंट जो है महिलाओं की वो हुई है? अच्छा, देखिए मेरे हिसाब से तो महिला तब भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती थी, है ना, और आज भी बहुत इम्पोर्टेंस है उनका। पहले इतनी महान हुई हैं, सब एक से एक महिलाएं हुई हैं, तो वो पहले हुई हैं और आज भी हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से जनरेशन गैप जो है वो तो रहता ही है ना, विचारों में फ़र्क हो जाता है, लेकिन हर जनरेशन में उनकी इम्पोर्टेंस है, तब भी इम्पोर्टेंट थी, अब भी है। अब हमारे साथ एक और महिला है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं महिला दिवस के अवसर पर। मैम, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये लगता है कि महिलाएं जो हैं वो अपने आप को लेकर थोड़ा सा, मतलब वो अपने आप पर उतना ध्यान नहीं देती जितना वो परिवार पर देती है? वो सबको संभालती है लेकिन वो अपने आप को, बोल सकते हैं, हम इग्नोर करती हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, अपने आप को उन्हें लगता है कि मैं सबसे लास्ट में, वो अपने आप को हर समय रखना प्रिफर करती हैं। आज भी ऐसी महिलाएं हैं, तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? पहले अपना नाम परिचय। मेरा नाम अर्चना जैन है और मैं दो बेटियों की माँ हूँ, और मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को बहुत बैलेंसिंग लिया है, अपना पर्सनल भी मैंने अपने आप को जिया भी है और बच्चों को भी अच्छा एडुकेट किया है, और मेरी बड़ी बेटी अमेरिका में जॉब करती है और छोटी बेटी बेंगलोर में है, दोनों इंजीनियरिंग से हैं, और मैंने खुद भी अपने आप पे बहुत ही, मतलब, अच्छे से लाइफ को एंजॉय किया है, तो ऐसे मुझे कुछ लगा नहीं है। जहाँ तक पेरेंट्स की जो आप बोल रहे हो कि, मतलब, वो ध्यान नहीं दे पाई, सबको लास्ट में रखा, ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये है कि खुद अपने आप को समझे हर मदर, तो वो अपने आप के लिए भी जी सकती है और देन बच्चों पे, हस्बैंड पे भी ध्यान दे सकती है, तो ऐसा मुझे किया, तो मेरी लाइफ, तो मेरी पेरेंटिंग भी मुझे लगता है मैंने अच्छी की है और मैंने अपने आप पे भी ध्यान दिया। मुझे, मेरी एज 53 है, मुझे नो शुगर, नो थायराइड, कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और मैं अपने आप को फिट रखती हूँ। अभी भी मैं ड्राइविंग कर आई हूँ हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर कि चल इन्जॉय करते हैं लाइफ को, तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि लेडीज ऐसे करती होंगी। ऐसी महिलाएं जो आप जो बता रही हैं वो चीज़ वो नहीं कर पाती, वो करना चाहती हैं लेकिन हो सकता है उनकी कुछ अपनी अलग परिस्थितियां हों, उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज जो उनकी, आपकी उस टिप से वो अपनी लाइफ में वो परिवर्तन ला पाए? हाँ जी, मुझे लगता है वो भी उस चीज़ में बहुत खुश होती होंगी क्योंकि वो अपने हस्बैंड पर भी ध्यान दे रही, भले ही अपने आप पर ना दे रही हूँ, और वो अपने बच्चों पर भी, वो सेटिस्फाइड तो बहुत रहती होंगी यदि बच्चे खुश हों और उनके हस्बैंड हो, पहले वो पेट भर के खा लें, खुद अच्छा पहन लें, ओढ़ लें, तो वो, मुझे लगता है वो भी बहुत खुश होती होंगी बजाय अपने आप पर ध्यान देने के लिए, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है क्योंकि हर लेडीज़ और हर माँ बहुत सेक्रीफाइस करके ही बहुत खुश रहती है बजाय अपने आप पर रहने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो दुखी होती होंगी। बस रही बात स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, तो हाँ, उनको ज़रूर अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और अपनी बैलेंस डाइट लें, इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आगे चल के तो मेन हेल्थ पे ही रहता है, तो वो चीज़ उनको ध्यान देना चाहिए, बाकी तो सच कुछ नहीं, वो बहुत खुश रहती है मुझे लगता है सेक्रीफाइस करके भी, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे ध्यान दे के। यहाँ पर कुछ यूथ हमारे साथ जो हैं, लड़कियाँ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके अंदर जो क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, वो क्या सोचती हैं अपने अस्तित्व के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी पहले तो आप अपना परिचय देंगे और ये बताएं कि आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सी ऐसी पावर है जो आपको लगता है आपके अंदर है, उसे और ज़्यादा पॉलिश करके आप अपनी लाइफ में क्या ऐसा कोई गोल बनाया है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। पहले अपना नाम। मेरा नाम प्रिया शाक्या है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूँ और लोगों के काम आऊँ। आपका क्या गोल है, कुछ लाइफ में ऐसा गोल सेट किया होगा कि मुझे तो ये करना है, और अपने आप को ऐसा भी कुछ है क्या कि अपने आप को मुझे प्रूफ करना है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ? हम देख रहे हैं लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले अपना नाम। मेरा नाम नंदिनी है और ऐसा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी, पर जैसे कि अगर कोई भी सेक्टर हो, कॉरपोरेट हो या फिर वो गवर्नमेंट हो,
मुझे ऐसा लगता है मैं सब में ही वर्क कर पाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब क्विट की है एग्ज़ाम के लिए, और मैं कॉर्पोरेट में भी अच्छा करती थी और मैं चाहती हूँ कि मैं सरकारी में भी अच्छा ही करूँ। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनके सपनों के बारे में, और वो अपने सपनों की उड़ान जो है वो कैसे भरना चाहती हैं, इसके लिए वो खुद संघर्ष कर रही हैं, उनकी जीवन की क्या है स्टोरी वो हम उनसे जानते हैं। पहले आप अपना नाम बताएं, क्या पढ़ाई कर रही हैं, क्या कुछ ऐसा ड्रीम है जिसे लेकर लगता है कि मुझे तो बस यही करना है, और आपको ऐसा भी कभी महसूस हुआ हो कि लोग कह रहे हो कि नहीं करना है लेकिन अंदर से आवाज़ आई हो कि मुझे करना है। पहले अपना नाम। अर्पिता गुप्ता मेरा नाम है और मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी रहूँ, जिस भी एरिया में रहूँ, जहाँ मुझे काम करने का मौका मिले, कुछ और हो ना हो लेकिन वहाँ के लोग खुश रहें। स्पेशली लोग कुछ करते हैं चाहे नहीं करते हैं, वो खुश नहीं रहते तो हंसे, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, मैं सबसे ज़्यादा यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं पूरे टाइम खुद भी घर में हंसती रहती हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें बस। आपका क्या गोल है, क्या अपने अंदर की पावर्स आपको लगती है जो सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावर आपको लगती है कि वो मेरे अंदर है, हर लड़की के अंदर क्या है वो पावर? अपना नाम। मेरा नाम पूजा है। मुझे शुरू से ही वर्दी वाली जॉब का थोड़ा सा मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, तो मैं वही PSC की तैयारी कर रही हूँ, तो बस शुरू से था तो वही उसी जॉब में जाना है, तो उसी के थ्रू चेंजेस लाऊँगी ऐसे सोचा है। फौज में लड़कियों का भी पार्टिसिपेशन अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आगे आपकी कुछ ऐसी अपेक्षाएं हैं इस फील्ड से? हाँ, जैसे अभी इतना, मतलब अभी तो शुरू ही हुआ है, तो हो सकते हैं उनके नंबर और भी बढ़ें, उनके बारे में जितने मिथ हैं कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारे मिथ टूट जाएँ, अभी बस इतना। महिला सशक्तिकरण के हमने कई आयाम देखे, अब हमारे साथ एक यहाँ पर और महिला है, तो एज अ हाउस वाइफ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो महिलाओं को वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है समाज में, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? कोई उनकी पेमेंट भी नहीं, कोई छुट्टी भी नहीं, और उन्हें ये कहा जाता है कि तुम घर में करती क्या हो, जैसा हम अमूमन सुनते हैं, इसको लेकर आप। पहले अपना नाम। ऋतु कर्णिक। ऐसा कुछ नहीं है कि यही सवाल है कि आप करते क्या हो घर में, जब हस्बैंड का साथ रहता है या वो अच्छे रहते हैं तो वो चीज़ दिमाग में नहीं आती है, अच्छे से वो चीज़ भी निभा जाती है एक महिला। आपको जैसे विमेन को हम देखते हैं अलग अलग रोल में, वो किसी के लिए मदर है, हाउस वाइफ है, वो हर रोल को बखूबी निभाती है, तो आपको क्या लगता है आप अभी जिस रोल को प्ले कर रही हैं उसमें आपको कैसा महसूस होता है, आप जब अपने घर में होती हैं तो एज अ महिला आप खुद को क्या एम्पावर्ड फील करती हैं, सशक्त महसूस करती हैं? परिवार का साथ मिलता है तो सशक्त महसूस कर लेते हैं।